केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने इन 9 सालों में लाल फीताशाही से रेड कारपेट तक का सफर तय किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने परेशानियों को दूर करके व्यापार के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत इन 9 सालों में लाल फीताशाही से रेड कारपेट तक का सफर तय किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने परेशानियों को दूर करके व्यापार के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया है। मोदी सरकार के कारण भारत FDI के लिए पहली पसंद बन चुका है। PM मोदी के नेतृत्व में अब व्यापार करना आसान हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर टैक्स पॉलिसी लागू की गई है। निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया गया है। बिना परेशानी के सुगम व्यापार करने के लिए माहौल तैयार किया गया है। भारत को FDI के लिए पहली पसंद बनाया गया है। श्री शाह ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो या फिर PLI या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, भाजपा सरकार ने हमेशा विकास, बढ़त और नवाचारों को बढ़ावा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्रीमान किरण कुमार रेड्डी जी, श्री CM रमेश जी, YS चौधरी जी, श्री GVL नरसिम्हा राव जी, श्री विष्णु कुमार राजू जी और आज विशाखापट्टनम की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं सिंह चलम श्री वाराही लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को और कनक महालक्ष्मी देवी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां वाइजेग में आया हूं तब महान स्वतंत्र सेनानी देशभक्त अल्लूरी सीताराम राजू को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री तेन्नेति विश्वनाथम जी को याद कर और विजयनगर के महाराजा डॉक्टर PVG राजू को भी याद कर मेरी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, तीसरी बार भी 2024 में देश में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। நண்பர்களே, மீண்டும் 2024 மூன்றாவது முறையாக நமது நரேந்திர மோடி அவர்களின் அரசு மீண்டும் உருவாக இருக்கிறது। परंतु मैं आपको विनती करने आया हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु का आशीर्वाद मिले और 25 से ज्यादा सीटें तमिलनाडु में NDA जीतकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। நண்பர்களே, 2024 என்ன சிறப்பு இருக்கணும்னா தமிழ்நாடு மக்களின் ஆசீர்வாதத்தோட 25 பாராளுமன்ற தொகுதிகளை நீங்கள் வென்று கொடுக்க வேண்டும். மித்ரோ, आज सुबह मैं संगठन की बैठक कर आया हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने जिस प्रकार से संगठन बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु में 2024 में 25 से ज्यादा सीटें NDA जीतकर मोदी जी के साथ तमिलनाडु से कई मंत्री नए मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, इसका मुझे विश्वास है। இன்றைக்கு காலையில கட்சியின் அமைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது நமது மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் எப்படி அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தபோது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறந்தது. அதாவது 25 சீட் இல்ல, அதுக்கும் மேல பாராளுமன்றத்தை வென்று தமிழகத்தின் அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சரவையில் இடம் பிடிக்க போகிறார்கள்।